फ्रेंड्स, कैसे हो आप? जैमा टैरो में आपका स्वागत है। जैमा टैरो आपका अपना टैरो। गाइस, जैमा टैरो की रीडिंग का टॉपिक है थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के रिश्ते में आगे क्या होने वाला है। थर्ड पार्टी और पर्सन के रिश्ते में आगे क्या होने वाला है। आप अपने पर्सन का वेट कर रहे हो, उनकी एक्टिविटी को देख रहे हो, लेकिन आप कुछ कर नहीं सकते। तो वो देखेंगे हम आज की रीडिंग में कि आगे क्या होगा, थर्ड पार्टी क्या कहने वाली है। ये रीडिंग मैरिड, अनमैरिड, ही शी, सेम जेंडर, आप सभी लोगों के लिए है जो अपने पर्सन का वेट कर रहे हैं। कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है, जब जी चाहे आपको देख सकते हैं। टाइम की कोई पाबंदी नहीं, जितनी रेजोनेट करे रख लेना, अदरवाइज बाकी छोड़ देना। जो भी क्लैरिटी होगी आपको बहुत अच्छे से मिलेगी, साथ में मिलेगी एक प्यारी सी एडवाइस जो है आप लोगों के रिश्ते के लिए बहुत ही ज़रूरी। तो चलिए देखते हैं थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के रिश्ते में आगे क्या होने वाला है। गाइस, फर्स्ट कार्ड हमने थर्ड पार्टी का नाम लिया है तो थ्री ऑफ पेंटिकल का आया है कार्ड, जो ये बता रहा है कि आप काफ़ी समय से इंतज़ार कर रहे हो, बहुत वेट कर रहे हो अपने पर्सन का। कुछ लोगों को तो हो लगता है साल, दो साल, तीन साल, ऐसे हो गए, महीनों और दिनों की बात नहीं। मैक्सिमम लोग जो है काफ़ी समय से वेट कर रहे हैं। टेन ऑफ कप्स, आप अपनी खुशियां उनके साथ ही बांटना चाहते हो, उनके साथ ही चीज़ें आगे ले जाना चाहते हो। हम दो, हमारे दो वाली फैमिली का वेट कर रहे हो। जहां ये हमें व्हील ऑफ फॉर्चून मिला है, जो ये बताता है कि आपने अपनी होप नहीं छोड़ी, आपने अपने भाग्य का साथ नहीं छोड़ा। आपको पता है कि अगर आपने अपने पर्सन को 100% लॉयल्टी दी है तो डिवाइन आपके साथ गलत नहीं करेगा। एक वक्त, ख़राब वक्त समझ के अच्छे वक्त का आप वेट कर रहे हो। एट ऑफ कप्स, इस कार्ड की बाद में होगी जानकारी। द एम्प्रेस, ये पर्सन आपको, जितना आप इमोशनली इन पे स्टक थे, इन्होंने आपको दर्द काफ़ी दिया है और इस टाइम खुद भी बहुत दुखी हैं, वे आपकी लाइफ से अलग हो गए। मैच्योरिटी चीज़ें हैंडल करने चले थे, एक एक चीज़ को खींचना, हर बात की नुक्स निकालना, हर बात को आपकी को अलग राय सलाह से देना, इससे भी आपका रिश्ता काफ़ी ख़राब हुआ है। लाइफ में कोर इनके फैमिली चाहती थी या इनकी लाइफ में कोई और क्रश था, इसकी वजह से भी आपका रिश्ता खराब हुआ है। एस ऑफ वॉन्ट्स, सॉरी, एस ऑफ सोर्स, द हायरोफेंट, शादी के, मैरिज के नीचे ही मैरिज का कार्ड आया। वाओ, नीचे के कार्ड आपके फेवर में है। नाइट ऑफ कप्स, और स्ट्रेंथ, यानी कि एट ऑफ स्ट्रेंथ का कार्ड है। द लवर, बॉटम में आया द लवर। अगर गाइस यहाँ साइन की बात करें तो यहाँ अर्थ साइन, एयर साइन, फायर साइन, वाटर साइन सभी है। नंबर्स की बात करें तो यहाँ नंबर, अगर बात करें कि नंबर के इम्पोर्टेंट क्या है, तो नंबर 3 इम्पोर्टेंट है, नंबर 10 इम्पोर्टेंट है, नंबर 8 इम्पोर्टेंट है, नंबर 4 इम्पोर्टेंट है, नंबर 5 इम्पोर्टेंट है, 1 इम्पोर्टेंट है और 11 इम्पोर्टेंट है। मोस्ट इम्पोर्टेंट की बात करी जाए तो गाइज यहाँ 4 नंबर मोस्ट इम्पोर्टेंट है, 10 नंबर मोस्ट इम्पोर्टेंट है और 8 नंबर मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो ये बता सकता है कि ये नंबर या इस डेट के, आपके ये महीना, डेट कुछ भी हो सकता है, जो आपके लिए काफ़ी मायने रखता है। मतलब कि ये हो सकता है इन्होंने कभी आपको प्रपोज़ किया हो, या आप फर्स्ट टाइम मिले हो, या कभी आपने कैंडल लाइट डिनर करा हो, और ये भी हो सकता है आप लोगों में से इन आपका या आपके पर्सन का हैप्पी बर्थडे हो। तो चलिए चलते हैं रीडिंग की तरफ, जिसका टॉपिक है कि आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के रिश्ते में आगे क्या होने वाला है। तो गाइस, जहां मैंने आपको बताया था कि आप अपने पर्सन
काफी टाइम से इंतजार कर रहे हो, अपने आप में अभी तक होप नहीं छोड़ी, खुशियां उन्हीं के साथ बांधी हुई है और अच्छे वक्त का इंतजार कर रहे हो। तो आगे रिश्ते में क्या होने वाला है, अब मैं आपको उसकी तरफ लेके चलती हूँ। आज की रीडिंग का टॉपिक जो है ना, देखने में मामूली है और बहुत से राज खोलने वाला, ये बात मैं आपको कह देती हूँ। तो गाइस, ये पर्सन जहाँ मैंने आपको कहा कि जब ये आपके साथ ही रिश्ते में थे, यहाँ पेज का कार्ड कोई नहीं आया, पेज का कार्ड नहीं आया, यहाँ हैंगमैन का नहीं कार्ड आया, इस बात को आपने ध्यान में रखना है। और बॉटम में हमें जो लवर का कार्ड मिला है, ये आपका और इनका सोलमेट कनेक्शन बता रहा है, आने वाले टाइम पे प्यार मोहब्बत बढ़ने वाला है आपका। तो गाइस, जहाँ मैंने आपको बताया कि जब ये पर्सन आपके साथ रिश्ते में थे, काफ़ी चीज़ों में आपके विचार नहीं मिलते थे, आखिर में जब मिसबिहेव हुआ, थर्ड पार्टी का जैसे पलड़ाबारी हुआ, चाहे इनकी वाइफ हो सकती है, इनकी फैमिली हो सकती है, या ये भी हो सकता है इनका कोई क्रश हो, ये पर्सन उस टाइम आपसे अलग हो गए। ये भी हो सकता है कि ये पर्सन और आप प्यार तो करते हो, लेकिन आपका एज का इतना गैप है कि आप लोगों के विचारों में मेल नहीं खाते, आपके थिंकिंग थॉट हमेशा बहुत डिफरेंट होते हैं और एज का भी आपका काफ़ी फ़र्क है, लेकिन वही चीज़ें जो है आपको इस पर्सन की दोबारा आपके पास लौट के आएंगी, क्योंकि थर्ड पार्टी जो है जितनी मर्जी से स्ट्रोंग है, जब तक ये पर्सन अड़ा रहेगा, किसी तीसरे का मतलब ही नहीं है कि आपको ये छीन सकें। तो ये पर्सन अब आपकी लाइफ से, ये देखिए, इनको कोई प्रपोज करता है, इनके पास आने की कोशिश करता है, तो ये उनको मना कर देते हैं, कहते हैं कि अगर जो मैंने मानना था मान लिया, आगे मुझे किसी चीज़ के लिए फोर्स ना किया जाए। इनकी जिद के आगे इनकी फैमिली जो है घुटने टेकने वाली है, यानी कि ये अपनी जिद के आगे किसी की पेश नहीं चलने वाली। थर्ड पार्टी और इनका जो थर्ड पार्टी है, चाहे इनकी फैमिली है, चाहे इनकी कोई क्रश है, वो सब चीज़ें जो है झुकने वाली है, क्योंकि थर्ड पार्टी अंदर से जब ये चीज़ें देखती है, काफ़ी होपलेस होती है, जो जो होप उसने बांधी थी, चाहे गलत थी चाहे सही थी, उसको वो पूरी होती नज़र नहीं आती। सबसे पहले तो हमें फाइनेंस का कार्ड मिला, जैसे मैंने बताया कि इतने समय से तो कुछ फाइनेंस को लेके भी वो उसने सोचा था, ये इंसान जब मेरी लाइफ में आएगा, मेरी दुनिया बदल जाएगी, मेरी ज़िंदगी बदल जाएगी, मेरा वक्त बदल जाएगा। तो यहाँ इस पर्सन की हाव भाव जैसे आपके टाइम थे वैसे ही थे, जब ये आपके पास ना रुके तो वो जब इतनी ख़राब है तो उसके पास कैसे रुकेंगे, क्योंकि जहाँ हम दो, हमारे दो वाली फीलिंग ऊपर आई है, वहाँ नीचे मैरिज का कार्ड आया है, यहाँ डिवाइन का ऊपर व्हील ऑफ फॉर्च्यून आया, पहिया घूमने वाला है, वहाँ प्रपोज का कार्ड आया कि वो आपको प्रपोज करेंगे। नाइट ऑफ कप, इन और आउट कंडीशन, थर्ड पार्टी आपके पर्सन की इन आदतों से काफ़ी परेशान है, और एक वक्त पर जैसे ही आप लोगों को ये कनेक्शन आया सोलमेट का, ये पांच कार्ड जो छह आए हैं, ये है थर्ड पार्टी को हिलाने वाले, क्योंकि आपके पर्सन जो है डिवाइन के साथ कनेक्ट होके, स्पिरिचुअल होके, अपने अंदर मजबूती लाके रिश्तों के लिए खड़े होने वाले हैं और अपने रिश्ते को खुद संभालने वाले हैं, जो थर्ड पार्टी के बस का नहीं है। आने वाले टाइम पे थर्ड पार्टी रोती हुई आपके रिश्ते से जाती हुई नज़र आ रही है, यानी कि जितना मर्जी रो लो धो लो, इसने जाना है, इसकी एनर्जी सारी जो हाई एनर्जी है सारी लो होनी है। थर्ड पार्टी आपके रिश्ते से जाने वाली है, आपके पर्सन की जिदों पे आके झुकने वाली है, आपके पर्सन की हर चीज़ की नोक झोंक से दुखी होकर वो जाने वाली है। और व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड बताता है कि वक्त आपका आने वाला है, ये एक साइकिल था जिसमें आपने भी सफ़र किया, कर्मा का साइकिल, आपके पर्सन ने भी कहा करा, अगर आपको बुरा ना लगे तो थर्ड पार्टी ने भी कहा। कहते हैं इंसान बुरा नहीं होता, उसकी नेचर या आदतें बुरी होती है, लेकिन हम किसी को बुरा नहीं कह सकते, क्योंकि सबके कर्मा का होता है, कुछ अपने इंसान में भी कमी होती है। जो चीज़ें पास्ट में
मैनुपलेशन रही है, ख़राब हुई है। इस बार सारी क्लैरिटी मिलने के बाद ही आप जो रिश्ता आगे लेके जाओगे, चीज़ें मैरिज तक जाएंगी, ये पर्सन आपको प्रपोज करेंगे और आपके अंदर एक ऐसी हिम्मत आएगी जिसका आप सोच भी नहीं सकते। अब आपको पता चलेगा कि प्यार क्या चीज़ है। लेकिन मैं एक आप बात बता दूं कि आपका जो है द लवर का कनेक्शन बताता है कि कार्ड बताता है एंजल की ब्लेसिंग है इसमें कनेक्शन में। कर्मा वाले कार्मिक में तो कर्मों के दुख होते हैं, इसमें हार्ट टच आंसू बहते हैं। तो इस चीज़ में ये हो सकता है कि ये पर्सन जब रिश्ते में दोबारा आए तो इन एंड आउट में फिर रहें, तो ये चीज़ शायद आपको सहन ना हो। तो इसलिए आपने ये अगर पर्सन आता है एक्शन लेता हुआ आपकी तरफ आता है तो आपने बात पहले कौन ली है, रिश्ते को धीरे धीरे एक स्टेप बाय स्टेप चलना है। ये नहीं करना कि जल्दबाजी करी। जब एक इंसान स्टेप बाय स्टेप चलता है तो उसका एक फ्लुएंस होता है, सीढ़ी पे चढ़ते चढ़ते आराम से चढ़ता है और सांस नहीं चढ़ता। अगर एक साथ चार सीढ़ी ऊपर चढ़ेगा चोट लगने का भी डर है और सांस भी चढ़ती है। तो यही चीज़ यहाँ पे है कि आपने स्टेप बाय स्टेप जल्दबाजी नहीं करनी। जल्दबाजी से चीज़ें कई बार क्या होता है, जब कोई हाय हेलो करता है इतने दिनों बाद तो आप लोग भूल जाते हो कि ये इंसान ने हमें पास्ट लाइफ में कितना परेशान करा है, कितने आंसू दिए हैं, क्योंकि जब ज़्यादा प्यार जो है बैलेंस को ख़राब करता है। तो आपने क्या करना है, बैलेंस नहीं खोना। तो ये हमें मिला है एक्शन का कार्ड। अब हम देखते हैं ये समय कितना लगेगा, क्योंकि काफ़ी समय से कुछ लोग तो काफ़ी समय से वेट कर रहे हैं और कुछ महीनों से कर रहे हैं। गाइस 6 मंथ या 1 ईयर तक लग सकता है आपको रिश्ते का ट्रांसफॉर्मेशन होगा। ये पर्सन के पास नेगेटिविटी बहुत है, इसलिए मैं आपका एडवाइस कार्ड निकालती हूँ। आपके लिए क्या एडवाइस है, इश्क में जब दिल घबराया दूरियां दिल से नहीं पाया, साजन 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 साजन। लीजिए क्या कहना, मैंने आपको क्या कहा कि ये कार्ड इतने समय के ख़राब आए हैं, आपके लिए एडवाइस कार्ड निकालती हूँ। अगर आपका ये हाल है तो ये कार्ड ऐसे आए हैं, हैरान होने वाली मुझे कोई नहीं बात लगती। ये कार्ड ये बताता है कि इस इंसान ने आपके साथ काफ़ी बुरा करा है, काफ़ी रिश्ता ख़राब हुआ है, ब्लॉक तक कर रखा है आपको। आप बहुत ओवरथिंकिंग करते हो, मेडिसिन का भी कुछ लोग शिकार है, स्लीपिंग पिल्स भी लेते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन अगर प्यार किया है इन चीज़ों का तो पहले सोचना चाहिए, ये कभी भी आ जाती है। तो इसलिए ऐसी कोई बात नहीं है जब दुनिया में बैठे हैं तो समस्या का हल ना हो, बस पॉजिटिव रहना चाहिए, सोल्यूशन अपने आप निकल जाएंगे। तो डिवाइन क्या कह रहा है, डिवाइन टैरो कहते हैं कि आपको पॉजिटिव बनना है, इस पर्सन का या रिश्ते को लेके ज़्यादा ओवरथिंकिंग नहीं करनी, अपने आप को पॉजिटिव बनाइए, मुस्कुराइए इन चीज़ों को देख के और अपने रिश्ते में आगे बढ़िए। लेकिन जैसे मैंने कहा स्टेप टू स्टेप वैसे ही बढ़ना है। अगर आप इस कंडीशन में हो तो इनके कार्ड जल्दी वाले कैसे निकलेंगे, क्योंकि हर बंदा स्ट्रेस लेना नहीं चाहता। हर इंसान चाहता है अगर मैं किसी दूसरे के पास गया हूँ तो सिर्फ हैप्पी हैप्पी रहूं, हैप्पीनेस लेके आऊं, ये नहीं कि स्ट्रेस लेके आऊं। तो इसलिए आप भी स्ट्रेस से निकलिए और अपने रिश्ते को बढ़ाने के लिए इस प्यार को सिर्फ अब रिश्ता आपने बनाना है, प्यार का रिश्ता नहीं बनाना। अगर फिर प्यार का बनाओगे तो फिर इस एनर्जी में आओगे। ये कार्ड बता रहे हैं आपने रिश्ता पहले मुकम्मल करना है, प्यार की बाद में सोचनी है। अगर पहले प्यार की सोची तो इस एनर्जी में हो। तो इसलिए आपको पॉजिटिव बनना है, अपने आप से प्यार करना है, अपनी इज्जत करनी है, उसके बाद किसी और चीज़ का सोचना। तो यहाँ रीडिंग का टॉपिक था कि थर्ड पार्टी और आपके पर्सन का रिश्ता कैसा जाने वाला है। तो गाइस आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के रिश्ते में, आप दोनों के रिश्ते में से थर्ड पार्टी मूव ऑन मूव कर रही है,
और ये बात जो है बहुत खुशी की है, तो इसलिए अपने आप को प्यार कीजिए और उठ के कमर कसिए और पॉजिटिव बनिए। अगर ये आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ करना लाइक शेयर कमेंट, साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी, जो बिल्कुल फ्री है। बेल आइकन को तो आपने ज़रूर प्रेस करना है ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचे आपके फ़ोन पर। अभी तक के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू और जय माता दी।